अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रघुवीर, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है सर जी, कभी कह देते हैं मेरी पर्ची हिला गई है, कभी कहते हैं आपका नंबर नहीं आया, दो के बाद तुलवा देंगे, सात ट्रोलिंग के बाद तुलवा देंगे, ऐसे ही हो रहा है। और कल मैंने कहा हाथ जोड़ के कि मेरी तुलवा दो सर जी, बहुत परेशान है। बोले नहीं, अगर ज़्यादा बकवास की तो हम सड़ा देंगे। और हमने कहा बाबू जी आपकी हम सब बात मान रहे हैं। बोले अच्छा, जो सुविधा की वो मानते हो, अगर हम कहें आपसे जहर खा लो तो आपके जहर खा लोगे? हमने कि सर जी जहर खा लेंगे, दे दें। तो बोले मैं ऐसे उदाहरण दे रहा था। हम 18 तारीख से हैं सर जी। कब पर्ची कटी? हमारी 18 तारीख को। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि तुम कभी कह देते यहाँ नहीं रहिए, फिर कहते हैं यहाँ तुम खेत क्यों नहीं थे और यहाँ रहोगे, फिर 22 तारीख के तुलवा देते हैं, नया कोई आया उसको तुलवा दिया सर जी, कमीशन दो और कमीशन दो तो तुलवा देंगे। कितना कमीशन? 30 रुपए तो पैसे मांगते हैं, और कहीं 50, किसी से 100। किसानों की शिकायत है कि लगातार पिछले 5 दिनों से यहाँ पर खड़े हुए, लेकिन उनकी छलाई तुलाई नहीं हो रही है। जो भी यहाँ खड़े वो इतवार के दिन से ही खड़े हैं, कोई 5 दिन से नहीं खड़ा है। और जिन राघवेंद्र ने आपसे कहा है कि मैं 18 तारीख की मेरी पर्ची है, 18 तारीख से पूछिए वो कहाँ थे, 18 19 की तुलाई हो गई तब वो केंद्र पर क्यों उपस्थित नहीं थे? अगर उपस्थित होंगे मौके पर तो हम तुलाई कराएंगे। तो अगर वो बीच में आते हैं तो अन्य किसान ये विरोध कर रहे हैं कि ये हम मच्छर से कटवा रहे हैं, रात भर हम रुके हैं और अगले दिन सुबह चुपचाप उनकी तौल हो गई। केवल अगर हम मंडी की पर्चियों क्रम से चलेंगे तो आपस में किसान भिड़ रहे हैं। 18 को इनकी तौल हुई, इनसे पूछिए क्या ये मौके पर थे। आइए आप इधर। किसानों का ये कहना है कि छनाई बुनाई के नाम पे जो सरकारी 10 रुपए लग रहे हैं जी, उससे वो 30 रुपए मतलब 20 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, 30-30 रुपए ले रहे हैं। कोई किसी भी एक ट्रॉली पर मतलब 50 किलो गेहूं भी ले रहे हैं। बिल्कुल निराधार बात है, कोई 30 रुपया नहीं लिया जा रहा है। जितने कृषकों का है, जितने भी कृषकों से मैंने क्रय किया है, मैं उन्हें सामने खड़ा कर देता हूँ, कोई कह दे तो आप मान लीजिए ये बात। दूसरी चीज, किसान ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मतलब पहले आ गई है, लेकिन दूसरे जो आ रहे हैं उनका पहले तुलाई करा दे रहे हैं, हमारा नहीं करा रहे हैं। ये बात में बड़ी कंट्राडिक्शन है इनका। जो लोग पर्ची के मंडी गेट से प्रवेश पर्ची कटा ले रहे हैं और वो अपने घर चले जा रहे हैं, अगर वो मौके पर उपस्थित नहीं है तो उसके बाद आने वाले की हम तौल कराएंगे, जो उस समय उपस्थित होगा। और बाद में पीछे से आएंगे तो उनकी तौल कराना संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि खड़े हैं किसान जो केंद्र पे। जो आए थे भी बता रहे थे कुछ लोग 30 रुपए पड़ रहा है। कल खुद मैंने मीटिंग ली थी, उनकी कोई इस तरीके से शिकायत ना आए। जो वाजिब है यार, मतलब 10 रुपये इनको देना पड़ेगा और वो उनको जो मूल्य मिलेगा उसमें वापस। किसान ये कह रहे हैं कि उनसे लगातार 30-30 रुपए ले रहे हैं और 30 रुपए नहीं दे रहे हैं तो उनकी छनाई बुनाई नहीं कर रहे हैं, और साथ ही जिनके नंबर नहीं लगे उनकी छनाई बुनाई। जहां तक नंबर लगने वाली पर, इस पर भी कल मेरी चर्चा हुई थी, कुछ किसान लेकर के अपना गेहूं चले जाते, उससे व्यवस्था फैलना स्वाभाविक है। तो सुनो, तोलाई होनी क्रमवार होनी। अगर कभी कभी कोई ये कह रहा है कि हम तो लेकर जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कोई नया आया है, ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं और हमने वहां पर क्रमवार खरीद करने की व्यवस्था करा रखी है। और 10 रुपया इनका जो है 10 रुपए ही पड़ेगा। जो 10 रुपए से अधिक ले रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? 10 रुपए की एक बार हम लोग दिन में चेक कर चुके हैं, वो शायद मात्र शक्ति थी, उसके खिलाफ लिख के भेजा जा चुका है। और भी अगर ये जारी रहा तो इनके खिलाफ कार्रवाई।